वेलकम बैक व्यूअर्स, व्यूअर्स टच मेरे YouTube चैनल के एक न्यू वीडियो में खुश आमदीद। होप सो आपको SEO का जो कोर्स है वो समझ आ रहा होगा और उसकी काफ़ी चीज़ें आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। आज के ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने टाइटल में रीड कर लिया होगा कि आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी वेबसाइट्स, कुछ ऐसी एक्सटेंशन और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर शो करवाऊंगा जो कि फ्री टू यूज़ है। आप उनको मुकम्मल तौर पर फ्री यूज़ कर सकते हैं और उनके थ्रू आप कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं और कीवर्ड्स अच्छे अच्छे आप उनसे निकाल सकते हैं। काफ़ी लोगों को इन टूल्स का पहले भी पता होगा, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिनके बारे में आपको नहीं आइडिया होगा कि वो किस तरह काम करते हैं। तो इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि आपको उन टूल्स के बारे में आगाह किया जाए। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और मैं आपको ये पहले बता दूं कि ये जो आपके सामने पीडीएफ फाइल मैंने ओपन की हुई है, ये पीडीएफ फाइल आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी वीडियो के एंड पे के किस तरह आपने इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना है। अभी के लिए आपको जस्ट इसके अंदर से मैं लिंक से ओपन करके दिखाऊंगा और उनका सारा यूज भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये लिस्ट मैंने बहुत मेहनत से क्रिएट की है, बहुत चीजें इसमें ऐसी हैं जो कि मुझे बहुत देर बाद जाके पता चली कि वाकई ये चीजें भी एग्जिस्ट होती है और इनकी वर्किंग क्या है। तो आज का मेन मकसद वही है। लिस्ट में सबसे पहले आपको एक्सटेंशन का सेक्शन मिलेगा, जो एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है। तो उनमें सबसे पहले एक्सटेंशन है कीवर्ड एवरीवेयर। इसका आप सबको पता है, सारे लोगों को इसका मुकम्मल तौर पे आइडिया कि ये किस तरह काम करती है। तो लेकिन आप लोगों को बता दूं कि कीवर्ड एवरीवेयर अब उस तरह काम नहीं करती, इन्होंने अपनी वेबसाइट को मूव कर दिया है। पहले मैं इसको एड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक्सटेंशन के ऊपर एड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपको लिंक पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसके ऊपर आ सकते हैं। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे आपके पास नेक्स्ट ये चीज आएगी, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है अपना ईमेल, ठीक है। आप एक फ्रेश जीमेल क्रिएट कर लें क्योंकि आपको काफी वेबसाइट के अंदर जो है जीमेल की जरूरत पड़ेगी। ईमेल में ईमेल मी द एपीआई की, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको एपीआई की सक्सेसफुली सेंड का एक मैसेज आएगा और आपके जीमेल के अंदर एक एपीआई की आई होगी। मुझे कीवर्ड एवरीवेयर की तरह से ये ईमेल आया, योर कीवर्ड एवरीवेयर एपीआई की और हाई प्लीज क्लिक हियर टू सेट योर एपीआई की लिखा हुआ। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर लिखा हुआ योर एपीआई की और ये आपने एपीआई की कॉपी कर लेनी है, ठीक है। ये आपकी एपीआई की है, मैंने इसको कॉपी किया। ये कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन आपको नजर आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने एपीआई की के अंदर क्या करना है, अपनी एपीआई की को पेस्ट करना है और वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी है, वो सेटिंग्स आप देख लें। अनेबल डिसेबल मैट्रिसेस लिखा हुआ है, आपने हाईएस्ट वॉल्यूम वाले को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम 1000 को क्लिक कर देना है। हाईएस्ट सीपीसी भी और हाईलाइट कंपटीशन भी, आपने ये तीनों चीजों को चेक कर देना है। जिसका सीपीसी 1.5 से ज्यादा होगा, जिसकी कंपटीशन 0.5 से ज्यादा होगा, उसको ये हाईलाइट कर देगा। बाकी आपने तमाम चीजें इसी तरह चेक रहने देनी है और किसी चीज को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये आपकी फर्स्ट एक्सटेंशन है जिसकी आपने सेटिंग कर ली है, ठीक है। इसी तरह आपने बाकी सारी सेटिंग्स भी कर लेनी है। जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे, प्रैक्टिकली हम इन तमाम चीजों को यूज करेंगे, तब आपको आइडिया होगा कि ये चीजें हमारे लिए क्या वर्क कर रही है। हमारे पास जो फर्स्ट एक्सटेंशन है, सॉरी कीवर्ड एवरीवेयर, वो हमने इंस्टॉल कर ली है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सटेंशन है वो है वर्ड ट्रैकर स्कॉट, ठीक है। इसका क्या मकसद है, ये आपके वेब पेज के अंदर से डिफरेंट वर्ड्स को निकाल कर आपको शो करवा देती है और आप उनसे अपने कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक्सटेंशन है, आपने सिंपली इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसका मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। विकिपीडिया के किसी पेज पे चले जाते हैं, विकिपीडिया का पेज मैं इसलिए ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा वर्ड्स नजर आ सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लाइक आपको अभी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख लेता हूँ, सर्च करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास पेज है अगर डिजिटल मार्केटिंग का, इसको अब मैं एक्सटेंशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा ये गैदरिंग कीवर्ड डाटा के ऊपर क्लिक कर मतलब वर्किंग करने लग जाएगा। अब हम वेट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर इसने मुझे कुछ कीवर्ड निकाल कर दिखा दिए, ठीक है। यहाँ पे रेलिवेंस लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल रेलिवेंट होंगे वो मुझे शो करवाएगा। मैंने हाई रेलिवेंस किया हुआ तो मुझे सिर्फ वो कीवर्ड शो करवा रहा है जो कि हमारे जो हमने सर्च किया हुआ पेज, जो हमारा मेन पेज है, हमारे उसके रेलिवेंट है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग जो की वर्ड यहाँ पे हाईलाइट है उनका ज्यादा सर्च वॉल्यूम है। अगर मैं लो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास बहुत ज्यादा कीवर्ड निकाल कर दे देगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद ये नीचे लिखा है साइट रेलिवेंस, वो सारा कुछ जो मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर इन साइट्स के अंदर जाएंगे तो ये मुझे तमाम कीवर्ड्स का बता देगा, ये कीवर्ड्स यहाँ पर कितनी दफा यूज हुआ है इस पेज के अंदर और किस किस जगह पे यूज हुआ है, ये सारा डाटा मुझे बता देगा। कीवर्ड्स के अंदर आते हैं तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये गूगल के सर्चेज हैं, गूगल के अंदर इसकी इतनी सर्चेज आ रही है, अपॉर्चुनिटी इसकी इतनी है, तो ये तमाम जगह पे मुझे बता रहा है कि ये तमाम चीजें किस तरह हो रही हैं। ये मतलब जो कीवर्ड्स इसके अंदर यूज हो रहे हैं, जो कीवर्ड्स इसके अंदर डाटा यूज हो रहा है, उन तमाम की सर्चेज और कंपटीशन वगैरह मुझे शो करवा देगा। ठीक है, अगर मैं हाई के ऊपर क्लिक करता हूं, देखिए सोशल वर्ड, ब्रांड, डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, तो इसकी मुझे डिजिटल मार्केटिंग की सर्चेज, कंपटीशन और अपॉर्चुनिटी वगैरह शो करवा रहा है। ठीक है, अगर वर्ड ट्रैक के अंदर आ जाते हैं तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा अकाउंट यहाँ पे साइन एक्सपायर्ड शो करवा रहा है क्योंकि मैं अभी तक अकाउंट बनाया ही नहीं है, पता नहीं क्यों एक्सपायर्ड शो करवा रहा है, तो हमें पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली अकाउंट के ऊपर क्लिक करूंगा और ये मेरी इस वेबसाइट पे चला जाएगा और आप सिंपली जाकर अपना अकाउंट यहाँ पर बना सकते हैं। बहुत ईजी मेथड है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर, किसी किस्म का कोई मकसद नहीं है। देखिए ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, और इनके ट्रायल फॉर फ्री है, 7 डेज के फ्री ट्रायल आपको मिलेगा, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल आप अगर इस एक्सटेंशन को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी एक्सटेंशन के अंदर। जो नेक्स्ट हमारे पास टूल है वो है स्क्रैपर। अब स्क्रैपर को हम किस लिए यूज करते हैं? स्क्रैपर को हम एक स्पेसिफिक लिस्ट से या एक स्पेसिफिक डेटा से हम कुछ चीजें कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं इसको ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे ही हमारी ये एक्सटेंशन है ऐड हो जाएगी, उसके बाद हमने जाना है गूगल में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट ऑफ एशिया, ओके, लिस्ट ऑफ एशिया कंट्री। मैं लिस्ट ऑफ एशिया कंट्री इसलिए ओपन करके दिखा रहा हूँ ताकि ना आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो मैं ये विकिपीडिया का लिंक ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर आपको कंट्री ऑफ टेरिटरी मतलब डिफरेंट यहाँ पे कंट्रीज नजर आ रही है और उनके ग्लोबल रैंक वगैरह। अब मैं चाहता हूँ कि इस स्पेसिफिक पेज में से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये कंट्रीज वाला डाटा जो है ये कलेक्ट होकर आ जाए। स्क्रैपर टूल बहुत अच्छा टूल है, जब इसको हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में तो आपको अच्छी तरह इसका आइडिया हो जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका यूज बता देता हूँ। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा अफगानिस्तान, यहाँ पे मैंने जस्ट थोड़ी सी कंट्रीज यहाँ से टोटल से सिलेक्ट की, उसके बाद मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिखा है स्क्रैप सिमिलर। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा मेरे पास यहाँ पर ये तमाम डाटा कलेक्ट करके ला देगा जो कि ये टेबल्स की फॉर्मेट में होगा। ठीक है, यहाँ तक यमन तक, ये देखिए यमन तक इसने मेरे पास कलेक्ट करके ला दिया। अब मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट चीजें नजर आ रही है। ठीक है, ये देखिए इस तरफ एक्स पाथ के अंदर, तो मैं इसके अंदर से वो चीजें रिमूव कर दूंगा जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए कंट्री नेम और वो सारी चीजें चाहिए, वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और स्क्रैप के ऊपर दोबारा क्लिक करूंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कंट्री नेम्स यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरह सिंपल एक एक सिंपल प्लगइन को यूज करते हुए यहाँ पर मैंने कंट्रीज एक लिस्ट निकाल कर रख लिया। मैं इस लिस्ट को एक्सपोर्ट टू गूगल डॉक्स भी कर सकता हूँ और कॉपी टू क्लिपबोर्ड भी कर सकता हूँ, तो जिस तरह आप चाहें इसको यूज कर सकते हैं। मैंने कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके पेस्ट किया तो मेरे पास तमाम कंट्री नेम्स निकल कर आ गए। हम इस तरह डिफरेंट कीवर्ड्स को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इस टूल को यूज करते हुए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के ऊपर मैं इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, इसका किसको नहीं पता, आजकल के दौर में सारे लोगों को इसका पता है, तो आप सिंपली गूगल ट्रेंड्स के अंदर आ जाने। ठीक है, और उसके बाद या एंटर अ सर्च टर्म और टॉपिक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो गूगल ट्रेंड के अंदर मैंने जैसे डिजिटल मार्केटिंग लिखा तो अब मैं इससे कैसे फायदा ले सकता हूँ, इससे मैं इसका इंटरेस्ट देख सकता हूँ यूनाइटेड स्टेट के अंदर या वर्ल्ड वाइड मैं देखना चाहता हूँ तो वर्ल्ड वाइड मैं इसको देख सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास ये पॉपुलर सिटीज बता देगा, पॉपुलर किस जगह पे डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा पॉपुलर है, रीजन बता देगा, रिलेटेड टॉपिक्स बता देगा कि इसके रिलेटेड क्या क्या टॉपिक सर्च हो रहे हैं, रिलेटेड क्वेरीज बता देगा जिनको मैं एज अ कीवर्ड यूज कर पाऊंगा। ठीक है, इसके साथ आपको ये नीचे जो डाटा नजर आ रहा है ये कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन की वजह से नजर आ रहा है और आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। हम इसको भी यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे इस टूल को, मैं ये भी बता दूं। उसके बाद गूगल का ही एक और टूल है, गूगल कोरिलेट। इस टूल का क्या मकसद है? ये टूल जस्ट और जस्ट आपको आइडिया देता है कि आपका जो कीवर्ड आपने सर्च करना है उसका डाटा क्या क्या शो करवा सकता है, उस डाटा के ऊपर क्या क्या चीजें आ सकती है। तो मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर भी सर्च करता हूँ, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च किया तो मुझे ये इसके रिलेटेड चीजें बता रहा है कि यूएक्स डिजाइनर भी इसके रिलेटेड सर्च हो रहा है।
ठीक है, ये जो चीजें इसके रिलेटेड सर्च हो रही हैं जो कि इसके साथ मिल सकती हैं, जो इसके साथ हो सकते हैं। शो मोर के ऊपर जाता हूँ, शो मोर, ये मुझे मजीद चीजें शो करवाता जाएगा। और ये सारी चीजें एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर नहीं है, बिल्कुल अलग है, और आप डिफरेंट कीवर्ड आइडियाज यहाँ से ले सकते हैं। और वो कीवर्ड आइडियाज जिनका ट्रेंड जो होता है अच्छा जा रहा है, जो कि चार्ट के मुताबिक अच्छी तरह उनका रिजल्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ये सिंपली आप इस टूल को भी यूज कर सकते हैं इनकेस अगर आपको कहीं और से डाटा नहीं मिलता। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो कीवर्ड टूल डॉट आई ओ है, ठीक है, इसका फ्री वर्जन हम यूज करेंगे। इसके अंदर आप डिफरेंट कीवर्ड निकाल सकते हैं, अगर आप कौन सी कंट्री यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं आप वो कंट्री यहाँ पे लिखें, उसके बाद आप सिंपली अपना कीवर्ड लिखें और सर्च के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डाटा निकल कर आ जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग, ये जो कीवर्ड्स है आप इन कीवर्ड्स को इजीली यूज कर सकते हैं। और ये कीवर्ड किस हिसाब से निकालते हैं, ये कीवर्ड सर्च टर्म के हिसाब से निकालते हैं कि कौन से सर्चेज जो हैं वो ज्यादा सर्च हो रही है। यहाँ पे ऊपर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे जिसके अंदर कीवर्ड सजेशन, क्वेश्चन और प्रोपोजिशन है, आप अलग अलग कर सकते हैं अपने डाटा को, ठीक है। तो द्वारा ओके आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और बस ओके ये अब मेरे पास ओपन होके आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। अब मेरे पास प्रोपोजिशंस का अलग सेक्शन बन गया, क्वेश्चंस का अलग सेक्शन बन गया, और कीवर्ड सजेशंस आपके पास अलग आ रही है। आप इसको एज अ यूट्यूब के लिए यूज कर सकते हैं, बिंग के लिए, अमेजोन के लिए, ईबे, प्ले स्टोर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चंस के अंदर आएंगे तो आपके पास सारे क्वेश्चंस निकल कर आ जाएंगे, अगर कीवर्ड सजेशन के अंदर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी कीवर्ड सजेशंस आ जाएंगी जिनको आप इजिली यूज कर सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड सजेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग जॉब, डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेशन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन कराची, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन कराची, डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पे डिफरेंट आपके पास चीजें आ रही है, आप इन कीवर्ड्स को इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये आपको एनालाइज कंपटीशन के ऊपर भी क्लिक करता है कि आप कंपटीशन को भी एनालाइज कर पाएंगे। अभी हमारा मकसद जस्ट कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है, तो इसलिए हम नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ चलते हैं जो कि keywordshooter.com, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको जस्ट अपने कुछ कीवर्ड्स लिखने होते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान, सिंपल मैंने दो कीवर्ड आपने लिख दिए। उसके बाद मैं शिफ्ट कीवर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मेरे पास ये जो है यहाँ पर देखिए इसने कीवर्ड निकालना शुरू कर दिया, और ये कीवर्ड निकालता ही जाएगा, निकालता ही जाएगा। आप चाहे दो घंटे के लिए छोड़ दें, तीन घंटे के लिए छोड़ दें, चार घंटे के लिए छोड़ दें, ये आपके पास कीवर्ड निकाल देगा। अब हमने जो कीवर्ड एवरीवेयर की थोड़ी सी बहुत सेटिंग की थी वो उसका हमें क्या फायदा हो रहा है, उसका हमें ये फायदा हो रहा है कि हमें इन कीवर्ड के अंदर से जो हाई सर्चेज वाले कीवर्ड है जिनका सीपीसी वगैरह अच्छा है वो कीवर्ड यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं इन कीवर्ड्स को मैं इजीली यूज कर सकता हूँ, ठीक है। इनकी और भी वेबसाइट्स है, आप वो भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स के बारे में बताना था। अब इसने इतने कीवर्ड्स निकाले, इनमें से जस्ट कुछ कीवर्ड्स हमारे काम के हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ये कीवर्ड्स को इजीली यूज कर सकते हैं, इन कीवर्ड्स को हम इजीली इनके ऊपर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है ना एडवर्ड एंड एसईओ कीवर्ड परमिशन जनरेटर, ये टूल एडवर्ड्स के लिए बहुत मायने रखता है, जो मतलब एड्स रन करना चाहते हैं। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच के ऊपर, ठीक है। तो मैं ब्रॉड मैच को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट के अंदर मैं लिख लेता हूँ बेस्ट, ठीक है, चीप, मतलब मैं कुछ मॉडिफायर यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, ठीक है, बेस्ट और चीप मैंने यहाँ पर लिख दिया। सेकंड के अंदर मैं लिख देता हूँ आईफोन, एंड्रॉयड एंड मोबाइल्स। थर्ड के अंदर मैं लिख देता हूँ इन पाकिस्तान, इन लाहौर, अंडर रुपीज 50,000, ठीक है, कुछ इस तरह के मैंने बना लिया। अब मैं जनरेट परमिशन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरह निकाल कर बेस्ट आईफोन इन लाहौर, बेस्ट आईफोन, मतलब उसने मुझे कुछ कीवर्ड जो थे हमारे इनके हिसाब से निकाल कर दिखा दिया जो कि ब्रॉड मैच कीवर्ड बनते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको फ्रेज मैच करता हूँ, जनरेट करता हूँ, ये मेरे पास फ्रेज मैच, और एग्जैक्ट मैच के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एग्जैक्ट मैच के ऊपर मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह निकल कर आ जाएंगे। ब्रॉड मैच को ही आप यूज कर सकते हैं, और इस टूल के थ्रू आप डिफरेंट कीवर्ड्स आइडिया जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट अपने
कुछ ही, अगर आप ये चीजें नहीं यूज करना चाहते आप सिंपली इस तरह कर सकते हैं तो आपको ये कुछ इस तरह निकाल कर दे देगा। ठीक है, इसके आगे मैं लिखता हूँ अगर बेस्ट और जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये हमारे पास आ जाता है ब्रॉड मैच के अंदर। तो आपके पास कुछ इस तरह कीवर्ड निकल कर आ जाएंगे, आपको कीवर्ड को बनाने में आसानी रहेगी। तो गाइस इस वेबसाइट का मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको नहीं पता होगा। जी हाँ, ये वेबसाइट आपको पता चल चुकी होगी, आंसर द पब्लिक। इसके अंदर आप जस्ट अपना क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे मैं अगर क्वेश्चन लिखता हूँ अपना डिजिटल मार्केटिंग, और इसके बाद मैं गेट क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, आप रीजन को नहीं सिलेक्ट कर सकते, ये प्रो यूजर्स के लिए है, जी रीजन आपकी वर्ल्ड वाइड शो करवाएगा। मैंने जैसे गेट क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक किया तो उसके बाद मेरे पास इसका मैजिक नजर आएगा, वो मैजिक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए इसका मैजिक क्वेश्चन आपके पास निकल कर आ रहे हैं 140। ठीक है, तो मेरे पास 140 क्वेश्चन निकल के आ गए जिनके ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स हैं। आप उन टॉपिक्स के ऊपर लिख सकते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, वो चीजें आपके पास यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, फर्स्ट जो आपके पास ये डाटा आ रहा है 140 क्वेश्चंस का, आपके पास ये डाटा आ रहा है, ये देखिए ये 140 क्वेश्चंस आपके पास निकल कर आ गए। उसके बाद 124 प्रपोजिशंस आ जाती हैं, मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग विद फेसबुक, डिजिटल मार्केटिंग विद रजत, डिफरेंट आपके पास प्रपोजिशंस आ रही हैं, आप इन प्रपोजिशंस को यूज कर सकते हैं। कंपैरिजन आपके पास आ जाते हैं, जी ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग वर्सेज ऑनलाइन मार्केटिंग, डिफरेंट चीजें आप यहाँ पर आ रही हैं, आप वो चीजें यूज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग वर्सेज बिजनेस एनालिटिक्स, और उसके अलावा आपके पास अल्फाबेटिकली भी कुछ निकल कर आ जाते हैं कीवर्ड्स, जो कि हमारा मेन मकसद है, जो हमारा मेन टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड हमें कीवर्ड फाइंड करने हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा तो मेरे पास 519 अल्फाबेटिक्स आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लंदन, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यूके, तो मेरे पास ये कीवर्ड्स आ रहे हैं जिनके आगे मुझे ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है। मैं उन कीवर्ड्स को अगर कलेक्ट कर लूं और उन कीवर्ड्स के ऊपर काम करूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। उसके अलावा मुझे कुछ इसके रिलेटेड कीवर्ड्स मिल जाते हैं जो कि मैं यूज कर सकता हूं। तो ये आंसर द पब्लिक का फायदा है आपके लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास वेबसाइट है ना, ये highvisibility.com बल्क कीवर्ड जनरेटर है। इसका मकसद क्या है, इसका काम क्या है? तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस टाइप लोगों के लिए जो लोकल एसईओ करना चाहते हैं। लोकल एसईओ क्या है उसके ऊपर आप बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को बता दूं जो लोकल एसईओ करना चाहते हैं उनके लिए। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मेरा बिजनेस, अगर कह दें जी यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मार्केटिंग नहीं आ रहा, फर्ज करें हमने प्लम्बिंग के ऊपर काम करना है, तो मैंने यहाँ पे प्लम्बिंग को सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद मेरे से कह रहा है चूज बिजनेस टाइप प्लम्बिंग के ऊपर। अब मेरे पास इसने कुछ यहाँ पर चीजें निकाल कर दिखा दी, 24 आवर प्लम्बिंग, बाथरूम प्लम्बिंग, बिग प्लम्बिंग कंपनीज। तो मतलब उसने जस्ट और जस्ट क्या किया है, आपका यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट किया, बिजनेस टाइप आपने सेलेक्ट की, उसने आगे सर्विसेज निकाल कर दिखा दी कि कौन सी सर्विसेज है। मैं कहता हूँ 24 आवर प्लम्बिंग, बाथरूम प्लम्बिंग, बिग प्लम्बिंग कंपनीज, ठीक है, और उसके अलावा पाइप प्लम्बिंग, अकेला प्लम्बिंग, रिपेयर और सेलेक्ट सर्विस टाइप्स के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो मैंने अपनी सर्विसेज सेलेक्ट कर ली कि मेरी सर्विसेज ये है, मैंने बिजनेस टाइप सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्टेड सर्विसेज मेरे पास ये आ गई। ठीक है, सर्विसेज लोकेशन टेम्पलेट एंटर योर लोकेशन, तो मैं कह देता हूँ यूएसए, यूके और जनरेट कीवर्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया। तो अब आपको आइडिया हो, ये जस्ट जस्ट बिजनेस के रिलेटेड आपको निकाल कर दिखाता है। तो ये आपके कुछ कीवर्ड निकल कर आ गए जिनको आप यूज कर सकते हैं, जिन कीवर्ड्स को आप इजीली इन डाटा के अंदर यूज कर सकते हैं, और ये कीवर्ड्स आपके वो कीवर्ड्स हैं जो कि इन कंट्रीज के अंदर इजीली आपको रैंकिंग दे सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप अगर एक बिजनेस रन करते हैं तो आप उस बिजनेस के रिलेटेड यहाँ से कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वेबसाइट आ रही है वो है कीवर्ड इन का कीवर्ड टूल जनरेटर। कीवर्ड इन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो मैं आपको बता दूं इनके दो टूल्स हैं, जनरेट कीवर्ड फॉर एसईओ एंड पीपीसी एंड जनरेट न्यू डोमेन। तो अगर आप डोमेन वेबसाइट का सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे जनरेट न्यू डोमेन नेम पे, और अगर आप कीवर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं जनरेट कीवर्ड फॉर एसईओ एंड पीपीसी के ऊपर जाएंगे। पे पर क्लिक, पीपीसी वो अलग चीज है, उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे, लेकिन अभी हम एसईओ के ऊपर बात करें। अच्छा, इसके अंदर ना ये देखिए यूज ब्रॉड मॉडिफायर, यूज इन सारी चीजों को आप अभी ध्यान देंगे। ऑप्शनल कीवर्ड आपके पास आ रहा है, ठीक है, मैं ऑप्शनल कीवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ ब्लैक व्हाइट। अब मैंने यहाँ पे कुछ अपने पैरामीटर सेलेक्ट किए, मॉडिफायर सेलेक्ट किए, बाय, शॉप फॉर और परचेज, ये मेरे मॉडिफायर थे कि मैं परचेजिंग के रिलेटेड कीवर्ड फाइंड करना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने दो कलर सेलेक्ट कर लिए ब्लैक एंड व्हाइट में,
ठीक है। और उसके बाद मेरे पास क्या पैरामीटर्स आ रहे हैं, मैं उसके अलावा यूज करना चाहता हूँ चीप और यूज, मतलब मैं यूज मोबाइल सर्च करना चाह रहा हूँ यूज मोबाइल के ऊपर या जो चीप मोबाइल है उनके ऊपर या लैपटॉप्स के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास तीन मैंने आईफोन रखे हैं, आईफोन 5C, आईफोन 5S, आईफोन 6। आगे मैं लिख देता हूँ लैपटॉप, ठीक है, HP लैपटॉप, मतलब इस तरह डिफरेंट मैंने अपने कीवर्ड यहाँ पे रखे। ऊपर मैंने सेलेक्ट किया ब्रॉड मैच, यहाँ पे कंबाइन योर कीवर्ड टू इजी वे, तो मैंने ब्रॉड मैच को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक किया। तो इसने मेरे पास देखिए कितने ही कीवर्ड्स यहाँ पर निकाल कर दे दिए। इन कीवर्ड्स के ऊपर मैं इनका डाटा जो है कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन के अंदर जाके चेक कर पाऊंगा और इन कीवर्ड्स के ऊपर मैं इजीली जो है इनमें से कीवर्ड्स को सिलेक्ट करके उनके ऊपर काम कर लूंगा। नेक्स्ट जो हमारे पास वेबसाइट है वो है solve.com। इस वेबसाइट का भी आप सबको आइडिया होगा, ये भी आंसर था पब्लिक के फंक्शन पे काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि आप अगर एक कीवर्ड लिखते हैं, अगर आपका कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, तो ये मुझे हर ब्राउजर का डाटा शो करवा देगा कि हर ब्राउजर के अंदर क्या क्या चीजें सर्च हो रही है। मतलब अगर गूगल की बात करें तो गूगल के अंदर मेरे पास ये कीवर्ड निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। अगर अमेजोन की बात करें तो अमेजोन के अंदर ये है, यूट्यूब के अंदर ये है, मतलब वो मेरे पास डिफरेंट नेटवर्क के जो है डिफरेंट चीजों के मुझे कीवर्ड यहाँ पर शो करवा रहे हैं। और मैं इन कीवर्ड के अंदर से कीवर्ड को सिलेक्ट करके उनको इजिली अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज करना चाहूँ तो मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कुछ कीवर्ड यहाँ पर भी निकल कर आ गए जिनको मैं यूज कर सकता हूँ। जस्ट मैंने आपको आइडिया देने के लिए कि ये डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम कर सकता है, सोल्व वेबसाइट है, इनका लिंक भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो मेरे पास वेबसाइट है ओवर सजेस्ट, इसका आई थिंक आप सबको आइडिया होगा ओवर सजेस्ट किस लिए यूज होती है। ये नील पटेल की वेबसाइट आई डोंट नो, लेकिन आपने सिंपली इसके अंदर भी कीवर्ड सर्चिंग कर सकते हैं। ये आपको कंपटीशन भी दिखा देगा, एनालिसिस भी करके दिखा देगा, सर्च वॉल्यूम भी सब कुछ शो करवा देगा सब कीवर्ड्स का, और इसके रिलेटेड कीवर्ड्स आपके पास बहुत ज्यादा निकल आएंगे। अब कीवर्ड्स मैं करता जा रहा हूँ, इन वेबसाइट्स का फायदा क्या है, तो इन वेबसाइट का भाई फायदा ये है कि आप इनसे कीवर्ड निकाल के इजिली अपने टॉपिक्स के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसने मुझे सब कुछ यहाँ पर शो करवा दिया, कीवर्ड आइडियाज के अंदर जाकर मेरे पास डिफरेंट कीवर्ड्स आइडियाज आ जाएंगे जिनको मैं इजिली कॉपी कर पाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड स्ट्रीम का कीवर्ड टूल, ठीक है। एंटर कीवर्ड वेबसाइट, और यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। इंडस्ट्री जोन सी है, अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर लें, तो मैं यहाँ पे इंटरनेट एंड टेलीकॉम को सेलेक्ट करता हूँ। कंट्री जोन से है, मैं ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ और सर्च के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये फ्री कीवर्ड टूल है, आप यहाँ पे भी रीड करते हैं, इसने मुझे यहाँ पर कुछ कीवर्ड निकाल कर दिखा दिए। ये कुछ कीवर्ड ही शो करवाता है, ठीक है। 582 कीवर्ड में से ये मुझे 10 कीवर्ड शो करवा रहा है, ठीक है। अगर आप ज्यादा लेना चाहते हैं तो ऑल कीवर्ड स्ट्रेट टू योर इनबॉक्स, आपको सारे कीवर्ड जो से हैं वो आपके इनबॉक्स में मिल जाएंगे। आप सिंपली यहाँ पे ईमेल लिख के अपना से ईमेल माय कीवर्ड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और या फिर आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं इनका, बाकी ये कंपटीशन वगैरह सेलेक्ट करने के लिए। ये जस्ट आपको गूगल सर्च वॉल्यूम शो करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेबसाइट है वर्ड ट्रैकर, इसके अंदर भी सेम उसी तरह के आप कीवर्ड आइडियाज ले सकते हैं, ठीक है। एंड सिंपली मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग और मैंने जैसे ही सर्च के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, इन्हीं की हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी वर्ड ट्रैकर स्कॉट, आपको अगर आइडिया हो। यही जो वेबसाइट है सेम हमारे पास आके निकल के आ गई है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट सर्च वॉल्यूम वगैरह मिल रहे हैं, आप लोग वो देख सकते हैं। आपको कीवर्ड यहाँ पर निकाल कर दे दिए गए, आप इन कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। कुछ हद तक ये वायरल मार्केटिंग तक आ जाता है। मैंने आई थिंक आपको इसके बारे में पहले भी बताया हुआ, इस वेबसाइट का आपको पहले से भी पता होगा। नेक्स्ट जो हमारा टूल है कीवर्ड टूल डोमिनेटर, ये जो है ना अमेजोन के लिए या अगर आप एफिलिएट साइट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट टूल है, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको अमेजोन के लिए ट्राई इट फ्री के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ वेबसाइट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो आपको सजेशन यही दूंगा कि इस वेबसाइट के ऊपर आप आकर काम करके देख लीजिएगा, साइन अप कीजिएगा और सिंपली आप जो उनसे चीजें सर्च कर सकते हैं। देखिए 3 सर्च लेफ्ट फॉर 2 डे, 3 सर्चेज आप कर सकते हैं, वांट मोर सर्चेज साइन अप फ्री, आपको साइन अप करना पड़ेगा, नहीं तो आप सिर्फ 3 सर्चेज ही कर सकते हैं। प्रोडक्ट नेम वो कह रहे हैं कि आप प्रोडक्ट नेम सर्च करें अगर आप, तो यहाँ पे आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं किस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट नेम मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइक HP लैपटॉप के ऊपर मैंने सर्च किया। सर्चिंग फॉर कीवर्ड सजेशन योर कीवर्ड लिस्ट कैलकुलेटिंग कीवर्ड रैंक वैल्यूज, तो ये आपको डाटा यहाँ पे नजर आने लग जाएगा। तो ये देखिए HP लैपटॉप 14 इंच, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं।
ठीक है, आप इनको सिलेक्ट करके इनको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इनकी रैंक्स यहाँ पर लिखी हुई है कि क्या क्या रैंक्स आ रही है इन कीवर्ड्स की अमेज़न के अंदर। ये अमेज़न के अंदर रैंक लिखी हुई है, फिर मैं बता दूं आप अमेज़न को अगर टारगेट करें तो आप ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास moz.com एक्सप्लोर कीवर्ड एक्सप्लोर। इसके अंदर भी आप कीवर्ड निकाल सकते हैं, आपको सिंपली अपना मेन कीवर्ड लिखना है और सर्च कीवर्ड्स नाउ के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये 30 डेज का ट्रायल मांग रहे हैं। ओप्स, ये अब आई थिंक फ्री नहीं रहा। ओप्स यार, ये क्या मिस्टेक होगी। चले, ये लिस्ट भी लिस्ट में तो ऐड हो गया, तो आप इसको सिंपली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टूल है ना, merchantwords.com, इससे ही आपको आइडिया होगा कि जो लोग अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट वेबसाइट है फ्री कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने कीवर्ड्स यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अगर आप एक स्टोर ओपन करना चाहते हैं लैपटॉप्स के लिए, तो मैं सिंपली सर्च करता हूँ लैपटॉप्स। ठीक है, अब मेरे पास ये लैपटॉप्स के रिलेटेड डाटा यहाँ पर शो करवाने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये कह रहा है सब्सक्राइब टू सी मर्चेंट मोर, ये मुझे कुछ इसका डाटा यहाँ पर शो करवाया इसने, लेकिन ज्यादा डाटा ये नहीं शो करवा रहा, उसके लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लेकिन ये फ्री रिसोर्सेज मेरे पास आज के लिए इसकी एक ही सर्च होती है जो कि मैं पहले कर चुका था, इसलिए इसने मुझे यहाँ पर डाटा नहीं शो करवाया। तो आई थिंक आपको इसका प्रो वर्जन फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन आप सिंपल एक वर्जन के थ्रू आइडिया ले सकते हैं कि इसके ऊपर क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप डेली की एक सर्च इसके ऊपर कर सकते हैं merchant.com। नेक्स्ट जो हमारे पास वेबसाइट है वो है keyword.guru। इस वेबसाइट का आपको आई थिंक पता होगा या नहीं पता होगा, मुझे इस चीज का नहीं आइडिया। इसके अंदर आप अगर एक कीवर्ड लिखते हैं ना, तो ये आपको डिफरेंट सर्च इंजन से कीवर्ड निकालकर शो करवाएगा। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग लिखा है, ये मुझे बता रहा है कि गूगल प्ले स्टोर के ऊपर इसके क्या कीवर्ड सर्च हो रहे हैं, ईबे के ऊपर, अमेजोन, यूट्यूब, बिंग, याहू और गूगल। इसने मेरे पास डिफरेंट के निकालकर शो करवा दिए कीवर्ड। आप इन कीवर्ड्स को आइडिया लेकर इन कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसने वर्ड्स टैग यहाँ पर बना दिए जिनको आप इजिली जो है सिलेक्ट करके इनके ऊपर मजीद सर्चेज कर सकते हैं। होप सो इसका भी आपको आइडिया हो गया होगा। और लास्ट पे हमारे पास टूल आता है पिंटरेस्ट कीवर्ड टूल, पिंटरेस्ट। अब आपको आइडिया होगा कि ये कीवर्ड ये टूल किस लिए यूज होता है, तो ये पिंटरेस्ट से आपका डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, इसके लिए आपको लाजमी साइन अप करना पड़ेगा। ये देखिए, रिसीव लॉन्ग टेल कीवर्ड, व्यू योर कीवर्ड सर्च हिस्ट्री, डाउनलोड योर कीवर्ड, ये सारी चीजों के लिए आपको करना पड़ेगा साइन अप। ठीक है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो आपको साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे इसने कोई डाटा नहीं शो करवाया, पता नहीं क्यों नहीं शो करवाया। तो यहाँ पे देखिए पॉपुलर कीवर्ड्स इसने शो करवा दिया, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी टूल, वेबसाइट डिजाइन, और ये पिंटरेस्ट के लिए यूज हो सकता है। आप पिंटरेस्ट के लिए इसको यहाँ से डाटा ले सकते हैं, और इस डाटा को आप अपने पिंटरेस्ट के अंदर यूज करेंगे तो आपको इजिली जो सा है आपके पिंटरेस्ट के सर्चेज आई हो जाएंगे और आप पिंटरेस्ट से ट्रैफिक ला सकेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो गाइस लास्ट पे बात करते हैं कि आपने ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कैसे करनी है। तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का तरीका बहुत आसान है, आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको लिंक मिल जाएगा एक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता तो आप अपने ब्राउजर में आए और टाइप करें bit.ly/। ठीक है, स्लैश लिखने के बाद आपने सिंपली लिखना है फ्री KW टूल लिस्ट, फ्री KW टूल लिस्ट। ये लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास ड्राइव का लिंक ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो आप जो है इसके ऊपर मजीद अगर कोई काम करना चाहे तो मजीद भी कर सकते हैं। आप सिंपली इसको डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।